नमस्ते, आज के उत्तेजक समाचार रैप में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना बलवान का एक गुण है। तो चलिए तैयार हो जाएं और हमेशा सबको माफ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के समाचार रैप के मुख्य आकर्षण हैं, इसरो ने अपना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, कश्मीर में पहली नौका एम्बुलेंस चलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिपेयर किए जाने वाले लेबल लगाने वाला फ्रांस पहला देश होगा, चीन का चांगी 5 मिशन चांद से सैंपल्स लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में पोलैंड के रॉबर्ट लोविंडोव्स्की और इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्स को इस साल के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया। और अंत में हमारा F2 सेगमेंट, चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पिछले हफ्ते श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च की। यह सैटेलाइट 15 जुलाई 2011 को लॉन्च की गई काफी पुरानी GSET-12 सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च की गई। CMS-01 भारतीय मेनलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में टेलीकॉम सेवाओं उपलब्ध करवाएगा। इस सैटेलाइट की मिशन लाइफ लगभग 7 साल होगी। इस महामारी की अवधि में ये दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की गई है। आई ग्रास्पर्स, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। श्रीनगर की डल लेक के एक हाउस बोट ओनर तारिक अहमद पाटलू जब COVID-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और उन्हें अस्पताल जाना था, तो उन्होंने फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस के बारे में सोचा। धन्य है उनका यह विचार। डल लेक में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं सहित यह पहली बोट एम्बुलेंस जल्दी ही शुरू की जाएगी। इससे उन हजारों लोगों को लाभ मिलेगा जिन्हें समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। इस एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ECG, ऑक्सीमीटर, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर होगी। लोग इसे एक टोल फ्री नंबर डायल करके बुला सकेंगे। हर साल पूरी दुनिया में बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है, इसलिए यूरोप की संसद ने यह निर्णय लिया है कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करके उसे दोबारा उपयोग में लाने को बढ़ावा दिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस जनवरी 2021 से ऐसी डिवाइसेस पर रिपेयरेबिलिटी टैग्स लगाने का काम शुरू करेगा। उसके बाद जल्दी ही यूरोप की संसद के सदस्यों ने रिपेयर को ज्यादा अपीलिंग, सिस्टमैटिक और कॉस्ट एफिशिएंट बनाकर ग्राहकों को राइट टू रिपेयर का अधिकार देने का निर्णय ले लिया है। इससे पुरानी चीजों के बाजार को बढ़ावा मिलेगा। सच में आई ग्रास्पर्स, यह एक बहुत ही बढ़िया पहल है। पूरे संसार में कोविड की स्थिति का सामना करने के लिए मनुष्य सभी तरह से तकनीक का सहारा ले रहा है। इस संबंध में सेंट्रल रेलवे ने बहुत बड़े उदाहरण पेश किया है। उन्होंने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैयार किया है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल रही है। कैप्टन अर्जुन रोबोट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है और सैनिटाइजेशन उपायों में भी मदद कर सकता है। इस प्रोसेस का यह मतलब भी है कि इस खतरनाक समय में कम लोगों को काम करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते चीन का Change-5 मिशन चांद से वहां का रॉक और सॉइल का कार्गो लेकर पृथ्वी पर वापस आया। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर चांद की चट्टानों के लगभग 2 किलोग्राम सैंपल्स लेकर आए हैं। इससे पहले सोवियत यूनियन का लूना 24 मिशन 1976 में वापस आते हुए चांद से लगभग 170 ग्राम सामान लेकर आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार Change-5 द्वारा लाए गए सैंपल से पृथ्वी की सैटेलाइट की जियोलॉजी और अर्ली हिस्ट्री को नई पहचान मिलेगी। यह मिशन इस बात को भी सिद्ध करेगा
कि हम कैसे चांद की रहस्य जानने को उत्सुक रहते हैं। ब्राजील में एक समुद्र तट पर कछुओं की एक लहर आई और लोग उसे कछुओं की सुनामी कह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने पुरुस नदी के किनारे एक सुरक्षित क्षेत्र में एक रेतीले समुद्र तट से आने वाले हजारों जायंट साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल हैचलिंग्स दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया है। यह ब्राजील में अमेज़न नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये कछुए लैटिन अमेरिका के ताजा पानी के कछुए हैं और ये इकोलॉजिकल सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बीज बिखेर कर रिवर कॉरिडोर्स में वनस्पति उगाने में मदद करते हैं। मदर नेचर कितनी आश्चर्यजनक है ना? पूरे विश्व की खेल संबंधी रोमांचक खबरों में फीफा अवार्ड्स में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और लूसी ब्राउन्स को इस साल के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया। यह बहुत ही असाधारण बात है कि लायनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा यह प्रेस्टिजियस अवार्ड किसी और ने जीता हो। पोलिश सुपरस्टार ने वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में इसे एक अविश्वसनीय अनुभव बताया। इंग्लैंड की लूसी ने फीफा अवार्ड में इंग्लैंड को पहली इंडिविजुअल विक्ट्री दिलाई। इस साल बहुत बढ़िया और मिले जुले अवार्ड से खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनका शानदार प्रदर्शन दिखाई देता है। आईग्रास के माध्यम से हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत की बॉक्सर्स अमित पंघल, सिमरनजीत कौर और मनीषा मोन ने जर्मनी में कलोन में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में अपनी अपनी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में भारत 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने शनिवार को बार्सिलोना के लिए 643वां गोल करके पेले के एक ही क्लब के लिए सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। मेसी 6 बार प्रेस्टिजियस बैलन डोर अवार्ड जीत चुके हैं। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैदान में अपनी ही तरीके से सनसनाते हुए दौड़ते हैं। उन्हें हमारी बहुत बधाइयां। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। इनमें पहली बार स्थानीय खेलों को शामिल किया गया है। चुने गए 4 खेल देश के भिन्न भिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलारीपयट्टू केरल का खेल है, मलखम महाराष्ट्र में खेला जाता है, गतका पंजाब से आया है और ठानथा मणिपुरी मार्शल आर्ट है। निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल है। दिसंबर का महीना खुशी और मौज मस्ती से भरा होता है। ये अपने साथ सांता के बारे में छोटी छोटी मनोरंजक बातें भी लाता है। क्या आपको मालूम है कि एक समय में वास्तव में सांता क्लॉस था? सेंट निकोलस द क्रिश्चियन बिशप एक बहुत ही भला आदमी था जो लोगों को उपहार देता था। वो टर्की में रहता था। उसने अपना जीवन गरीब लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। आज हम जिसे सांता मानकर प्यार करते हैं वो उन्हीं का एक रूप है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर के बच्चों को उपहार देने के लिए सांता की स्ले को कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी? अगर हम ये मानकर चलें कि दुनिया में 700 मिलियन बच्चे क्रिसमस मनाते हैं तो सांता की स्ले को 6 मिलियन मील प्रति घंटा की यात्रा करनी होगी। उफ, अभी तो हैरानी की एक बात और है। ये अंदाजा है कि अमेरिकी लोग क्रिसमस की छुट्टियों में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा शॉपिंग पर खर्च कर देते हैं। एक बात और, होम अलोन सबसे ज्यादा सफल क्रिसमस फिल्म है। दूसरे स्थान पर डॉक्टर सज की हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस आती है। साइलेंट नाइट गाना सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड किया गया, जबकि बिंग क्रॉसबी के वाइट क्रिसमस को बेस्ट सेलिंग सिंगल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। बूझो तो जाने, ऐसा क्या है जो हमेशा आता तो है लेकिन पहुंचता कभी नहीं? बूझो बूझो, जी हाँ, आने वाला कल।
पहचानो कौन? ये भारतीय उद्योगपति शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक हैं और महान परोपकारी हैं। ये एक प्रशिक्षित विमान चालक हैं, जो विमान उड़ा सकते हैं। इन्होंने अपनी कंपनियों के समूह को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, ये रत्न टाटा ही है। क्या आपको मालूम है कि इन्होंने टाटा नैनो कार तैयार की थी क्योंकि ये चाहते थे कि एक औसत भारतीय भी कार खरीद सके। इस सप्ताह का मुहावरा है अकल के घोड़े दौड़ाना, जिसका मतलब है कल्पनाएं करना। मोहन हमेशा अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। क्या आपको मालूम है कि साल के सबसे छोटे दिन के आसपास उत्तरी गोलार्ध में कई त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। इन्हें हॉलीडेज कहा जाता है। ये जूश हनुका, क्रिश्चियन क्रिसमस, अफ्रीकन क्वांजा और नॉर्थ यूरोपियन यूलटाइड हैं। क्विज टाइम। साल के सबसे छोटे दिन को क्या कहते हैं? अपने जवाब contactus@igrass.com पर लिख भेजें। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। पृथ्वी पर सबसे लंबे नाम वाली जगह जिसे लोकल लोग टोमाटो हिल भी कहते हैं, न्यूजीलैंड में है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की देवव्रती दास को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। आपके जीवन का हर दिन एक उत्सव है। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण एक आशीर्वाद है। जब तक हम फिर मिले, तब तक अपने आशीर्वादों को गिनते रहे और अपने चेहरे पर मुस्कान, दिल में एक गीत के साथ नए साल में प्रस्थान करें। आपको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हम एक सप्ताह बाद मिलेंगे। नमस्ते।